हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेट केमिस्ट्री बाई केवी। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को, यानी हमने वहाँ देखा कि भौतिक गुण किसी भी एल्केन के क्या होते हैं। आज हमारा टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी रासायनिक गुण। आज हमारा टॉपिक क्या है? रासायनिक गुण। देखिए, हमने जनरल इंट्रोडक्शन में पहले देख लिया कि रासायनिक गुण में हम क्या पढ़ेंगे, रिएक्शंस पढ़ेंगे कि एल्केन किस किस के साथ रिएक्शन करता है और कैसे करता है। तो देखिए, हम आज रिएक्शन देखने वाले हैं एल्केन की, कि एल्केन क्या क्या रिएक्शन करके क्या प्रोडक्ट बना सकता है, ये हमें पढ़ना है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया कि आज हमें पढ़ना क्या है। तो देखिए, सबसे पहली रिएक्शन है ऑक्सीडेशन, हिंदी वाले लिखे ऑक्सीकरण। पहली अभिक्रिया कौन सी है? ऑक्सीकरण। देखिए, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है यूज क्या होगा? ऑक्सीजन। अभिक्रिया कौन सी है? ऑक्सीकरण की है, ऑक्सीडेशन की है, तो यूज होने वाला भी क्या होगा? ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन किसके साथ अभिक्रिया करेगा? पढ़ क्या रहे हैं हम? एल्केन। क्या पढ़ रहे हैं? एल्केन। तो ऑक्सीजन ने एल्केन के साथ अभिक्रिया करी, और एल्केन क्या होता है? CnH2n+2। क्या होता है? CnH2n+2। तो इसका सूत्र हमने लिख लिया। अब आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, या तो CH4 ले लो, यानी मेथेन, एथेन, प्रोपेन, यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हैं, मैंने फॉर्मूला लिखा है। तो ये आपका एल्केन हो गया और ये आपकी ऑक्सीजन हो गई। अब बात ये आती है कि ऑक्सीजन कितनी ले, क्या 1 मोल ऑक्सीजन ले, क्या 2 मोल ऑक्सीजन ले, क्या 3 मोल ऑक्सीजन ले। तो देखिए, ये फिक्स फॉर्मूला है, यहाँ पे आप जितना अन लेओगे, यहाँ पे आप जितना कार्बन का नंबर लेओगे, कार्बन की संख्या लेओगे, आपको ऑक्सीजन उसके अकॉर्डिंग रखना पड़ेगा। मान लीजिए हमारा कार्बन कितना था? 1। मान लीजिए हमारा कार्बन कितना था? 1। यानी हम एग्जाम्पल के रूप में CH4 की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? CH4। एल्केन तो क्या हो गया हमारा? मेथेन। कार्बन कितना है यहाँ पे? 1 है। कितना है? 1। इसका मतलब इस एन की जगह कितना आएगा? 1। तो देखिए, 3 × 1 + 1/2, और ये O2। अब देखिए कितनी O2 हो गई, 3 और 1 कितना होता है? 4। 4 / 2 कितना होता है? 2। इसका मतलब एक मेथेन के लिए 2 मोल ऑक्सीजन चाहिए। कितना मोल? 2 मोल O2 की आवश्यकता होगी। तो आपको समझ में आ गया कि एल्केन को जब हम ऑक्सीडाइज करते हैं, जब हम एल्केन का ऑक्सीकरण करते हैं, तो हमें ऑक्सीजन कितनी देनी पड़ेगी, ये फिक्स है, और ये एग्ज़ाम में पूछा गया है, नीट के एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो ये जेट के एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि नीट के इजी लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं वो जेट में आते हैं, ये फिक्स है। तो देखिए, ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, कितना याद रखना है। O2 कितना यूज करेंगे? 3n + 1/2। कितना? 3n + 1/2 ऑक्सीजन हमें यूज करना है। अब देखिए, जैसे ही रिएक्शन हुई तो NCO2 बनेगा। क्या बनेगा? NCO2। जैसे हमने ये अभिक्रिया ली CH4 की, तो देखिए NCO2 बनेगी। तो हमें ये तो पता लग गया कि जब ऑक्सीकरण होगा तो CO2 मिलेगी। अब कितनी CO2 मिलेगी? N, यानी जितना कार्बन था तो एक ही था, तो 1 मोल ही हमें क्या मिली? CO2 मिली। फिर देखिए क्या मिलेगा? H2O मिलेगा। क्या मिलेगा? H2O मिलेगा। H2O कितना मिलेगा? N+1। कितना? N+1। यहाँ पे कार्बन एक था तो N+1, तो 1+1 कितना मिलेगा? 2H2O, और साथ में ऊष्मा निकलेगी तो प्लस हीट। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया कि हमें रिएक्शन कैसे करनी है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये याद कर लेना। CnH2n+2 की रिएक्शन करवाएंगे हम, O2 के साथ कितना O2 लेंगे? 3n+1/2 O2 लेंगे, उससे CO2+2 बनेगा। CO2 कितनी बनेगी? जितना N है उतनी ही CO2 बनेगी, बट H2O कितना बनेगा? N+1 बनेगा, और साथ में उसमें निकलेगी। तो इस वे में हमने क्या देख लिया?
ऑक्सीकरण को देख लिया, क्या देख लिया, ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन को देख लिया। अब देखिए बात एक ये आती है कि आपने जितना कार्बन लिया उसके अनुसार आपने प्रॉपर मात्रा में क्या दे दी, ऑक्सीजन दे दी, दे दी। लेकिन सोचिए आपने कार्बन लिया और आपने प्रॉपर मात्रा में उसे ऑक्सीजन नहीं दी, क्या नहीं दी, ऑक्सीजन उसे प्रॉपर मात्रा में नहीं दी, तो क्या होगा, ऑक्सीजन कम मिली, ऑक्सीजन कम मिलेगी तो CO2 बनने की बजाय क्या बन जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या बन जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये ध्यान रखना है। अगर कार्बन के अनुसार प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है तो CO2 बन जाएगा, लेकिन कार्बन के अनुसार ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो CO2 की जगह क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, और साथ में क्या निकलेगा, H2O। तो ये वाली रिएक्शन कौन सी है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन की, किसकी है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन की, यानी अपूर्ण ऑक्सीकरण, हिंदी वाले क्या लिखेंगे, अपूर्ण ऑक्सीकरण। अब देखिए बात ये आती है कि ये अपूर्ण ऑक्सीकरण कैसे हुआ, ये वाली जो अभिक्रिया है वो अपूर्ण ऑक्सीकरण की कैसे हुई, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। देखिए क्या है ये CH4, क्या है CH4, मैंने आपको बोला बताइए CH4 के कंप्लीट ऑक्सीकरण यानी कंप्लीट ऑक्सीडेशन यानी पूर्ण ऑक्सीकरण के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए, तो आप बोलोगे एक CH4 के लिए दो ऑक्सीजन चाहिए, क्या बोलोगे, एक CH4 के लिए दो मोल ऑक्सीजन चाहिए। हमने यहाँ कितना ले रखा है, दो मेथेन ले रखा है, एक मेथेन के लिए दो ऑक्सीजन, तो दो मेथेन के लिए कितनी लेनी चाहिए थी, चार ऑक्सीजन लेनी चाहिए थी, बट कितनी ली है हमने, तीन ही ली है, मतलब हमने ऑक्सीजन कम दे दी, और यही तो हम पढ़ रहे हैं इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, यानी हमने ऑक्सीजन ही कम दे दी। जब ऑक्सीजन कम देंगे तो ये रिएक्शन थोड़ी होगी, CO2 नहीं बनेगी, यहाँ पे क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, जल्दी से आप लोग इसे उतार लीजिए, फिर हम चलते हैं सेकंड रिएक्शन की तरफ। देखिए ये तो हो गई हमारी ऑक्सीडेशन की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाली, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट ही है, इनकम्प्लीट अपूर्ण ऑक्सीकरण, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एल्केन में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, जल्दी से उतार लीजिए। अब देखिए हम चलते हैं आगे की तरफ, अब देखिए हम लेते हैं सेकंड अभिक्रिया, पहली अभिक्रिया हमने ली ऑक्सीकरण की, अब दूसरी अभिक्रिया लेंगे हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की यानी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, हिंदी वाले यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, लिखिए आप लोग प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब देखिए क्या होता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये आप लोगों को सीखना चाहिए, प्रतिस्थापन यानी सब्स्टिट्यूशन, इसका मतलब एक कोई मॉलिक्यूल है उसको हटा के कोई दूसरा उसकी जगह आ जाता है, प्रतिस्थापित, जानते हैं प्रतिस्थापन से मतलब ही समझ में आ रहा है कि दूसरे की जगह कोई तीसरा आ रहा है या एक पहले की जगह कोई दूसरा आ रहा है, ये होता है प्रतिस्थापन। तो देखिए प्रतिस्थापन जो अभिक्रिया होती है, कौन सी अभिक्रिया, प्रतिस्थापन जो अभिक्रिया होती है वो हम पढ़ रहे हैं एल्केन में, किसमें पढ़ रहे हैं, एल्केन में, ये आपको ध्यान रखना है। तो एल्केन में प्रतिस्थापन अभिक्रिया किससे होती है, मुक्त मूलक फ्री रेडिकल से, किससे होती है, फ्री रेडिकल से, यह आप लोगों को ध्यान रखना है। पूछा जा सकता है कि एल्केन में प्रतिस्थापन या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसके द्वारा होती है, तो आप लोग क्या बोलोगे, फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट के द्वारा होती है, ना तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा ना यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनेगा, यानी यहाँ पे कार्बोकेटाइन भी नहीं बनेगा, कार्बोएनाइन भी नहीं बनेगा, यहाँ पे ओनली फ्री रेडिकल की रिएक्शन होगी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भी बहुत सारी रिएक्शन है, इस टॉपिक के अंदर बहुत सारी रिएक्शन है, इसकी पहली जो रिएक्शन है वो है हेलोजिनेशन, क्या है, हेलोजिनेशन। अब आप लोगों को समझना जरूरी है कि हेलोजिनेशन क्या होता है, नाम से पता चल रहा है हेलोजिनेशन यानी हेलोजन परिवार से रिलेटेड है, हेलोजन फैमिली से रिलेटेड, और हेलोजन फैमिली में फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये एलिमेंट आते हैं, तो हमें
इनकी रिएक्शन हमारे एल्केन से करवानी है, क्योंकि हम पढ़ के रहे हैं एल्केन। तो देखिए ये हमारा कोई एल्केन है, क्या है कोई एल्केन, और ये एक्स टू क्या है, हेलोजन। हेलोजन यानी ये एक्स टू की जगह एफ टू हो सकता है, इसकी जगह सी एल टू हो सकता है, इसकी जगह बी आर टू हो सकता है, इसकी जगह आई टू हो सकता है। अब क्या होता है यहाँ पे देखिए, यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, और ये जो एक्स टू है वो कुछ इस प्रकार है, और यहाँ से भी बॉन्ड टूटेगा। एक तो इलेक्ट्रॉन ये ले गया, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, तो जो एक एक्स है वो इस आर के साथ जुड़ जाएगा और आर एक्स बना लेगा, एक एक्स है जो एच के साथ जुड़ के एच एक्स बना लेगा। तो आप लोग देख सकते हैं एल्केन के पास हमने क्या जोड़ दिया, कोई भी हेलोजन परिवार का एक एलिमेंट जोड़ दिया, ये हेलोजन का कोई एलिमेंट है, कोई एटम हेलोजन परिवार का यहाँ आके ऐड हो गया, इसीलिए हमने इसको क्या बोला है, हेलोजिनेशन, यानी हेलोजन का जुड़ना ही क्या कहलाता है, हेलोजिनेशन कहलाता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा हमने क्या बना दिया यहाँ पे, एल्किल हेलाइड, क्या बना दिया, एल्किल हेलाइड। तो ये रिएक्शन भी आप लोगों को ध्यान रखनी है, जल्दी से उतार लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। तो आई होप आप लोगों ने इसे समझ लिया होगा। अब हम चलते हैं हेलोजिनेशन की अगली रिएक्शन की तरफ, जो है नाइट्रिशन। क्या है नाइट्रिशन, समझना आप लोग क्या होता है नाइट्रिशन। देखिए जैसे हेलोजिनेशन था, हेलोजिनेशन क्या था, हेलोजन का जुड़ना, हेलोजन का एड होना एल्केन के साथ, वैसे ही नाइट्रेशन होगा। नाइट्रेशन यानी NO2 का एड होना। तो अगली रिएक्शन कौन सी है, सब्स्टिट्यूशन के अंदर ही चल रहे हैं, प्रतिस्थापन के अंदर ही चल रहे हैं, अगली रिएक्शन है नाइट्रेशन। कौन सी है, नाइट्रेशन। देखिए नाइट्रेशन यानी नाइट्रीकरण हिंदी वाले लिख सकते हैं। क्या होता है, हमने लिया कोई एल्केन, क्या लिया एल्केन, और एल्केन की रिएक्शन करवाई हमने HNO3 के साथ, किसके साथ करवाई, HNO3 के साथ। HNO3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे हम HNO3 को लिख सकते हैं, जैसे ही हम रिएक्शन करवाएंगे जैसे हम यहाँ पे रिएक्शन करवाएंगे तो देखिए यहाँ से H2O बाहर निकल गया और R और ये NO2 जुड़ जाएंगे, तो क्या बनेगा, R NO2 प्लस बाहर क्या निकला, H2O। तो ये जो रिएक्शन है वो क्या कहलाती है, नाइट्रेशन, यानी हमने NO2 को एल्केन के साथ ऐड कर दिया, इसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नाइट्रेशन। ये जो बना वो क्या है, नाइट्रो एल्केन, क्या है, नाइट्रो एल्केन। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। अब जो अगली रिएक्शन है वो है सल्फोनेशन, क्या है, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन यानी सल्फेट जोड़ना है, तो हम क्या लेंगे यहाँ पे, H2SO4 लेंगे, यानी रिएक्शन करवाएंगे हम RH की, किसके साथ करवाएंगे, H2SO4। H2SO4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, H2SO4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, लिख दिया। अब देखिए यहाँ से H2O बाहर निकल गया और इस R के साथ ये SO3H ऐड हो गया, तो क्या हो गया, RSO3H प्लस H2O। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे नाइट्रेशन होता है और कैसे सल्फोनेशन होता है। जल्दी से उतार लीजिए आप लोग, जल्दी से फास्ट। देखिए हमने यहाँ पे प्रेशर नहीं लिखा, यहाँ पे एक होता है टेम्परेचर और एक होता है प्रेशर, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। उच्च ताप, उच्च ताप पे ये रिएक्शन होती है, तापमान यहाँ का होता है 400 से 500 डिग्री, और यहाँ पे प्रेशर भी क्या होता है, हाई प्रेशर होता है। तो देखिए यहाँ पे हो जाती है हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पूरी की पूरी कंप्लीट। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा।
अब देखिए हम यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं, जो हमारी नेक्स्ट एक्शन होगी एल्केन की, और वो होती है आइसोमराइजेशन। देखिए सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन रिएक्शन पूरी की पूरी खत्म हो चुकी है। अब सब्स्टिट्यूशन के बाद कौन सी आ गई है थर्ड रिएक्शन, जो है आइसोमराइजेशन यानी समावयवता, आइसोमराइजेशन यानी समावयवता। देखिए समावयवता किस प्रकार होती है, हमने मान लीजिए ये कोई अभिक्रिया ली, सॉरी ये कोई एल्केन लिया, इस एल्केन की हमने रिएक्शन करवाई AlCl3 प्लस CH3Cl के साथ। तो देखिए क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, कोई एक समावयवी बन जाएगा, और समावयवी कैसे बनेगा, CH3CH2CH3 और ये CH3। देखिए बन गया समावयवी, ये क्या था मेथ प्रोब्यूट, ये क्या था नॉर्मल ब्यूटेन, क्या था नॉर्मल ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन से क्या बन गया मेथ प्रोब्यूट आइसो ब्यूटेन, क्या बन गया आइसो ब्यूटेन। देखिए यहाँ पे हम HCl यूज करेंगे, मैंने गलती से CH3Cl लिख दिया, क्या है AlCl3 प्लस HCl, तो आप लोगों को ध्यान रखना है एन ब्यूटेन से हमने क्या बना दिया आइसो ब्यूटेन। अब देखिए ये हमारी थर्ड रिएक्शन आइसोमराइजेशन की भी कंप्लीट हो जाती है, इसमें कुछ नहीं होता है, क्या बनता है आइसोमर बनता है, और आइसोमर क्या होता है ये हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। देखिए हमारी फोर्थ जो रिएक्शन है वो है पाइरोलाइसिस, फोर्थ रिएक्शन क्या है पाइरोलाइसिस, पाइरोलाइसिस को हम क्रैकिंग भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं क्रैकिंग भी बोल सकते हैं। अब आप लोगों को यहाँ पे पाइरोलाइसिस का मीनिंग पता होना चाहिए, पाइरोलाइसिस का मीनिंग होता है हाई टेम्परेचर पे क्या होना, कार्बन एटम पर लगी जो हाइड्रोजन होती है उसका रिमूव होना, या ऐसे बोल सकते हैं हाई टेम्परेचर पर एल्केन में क्रैकिंग आना, एल्केन का टूटना, वो क्या कहलाता है, क्या कहलाता है पाइरोलाइसिस और क्रैकिंग। तो देखिए आप समझिए रिएक्शन कैसे होती है, जैसे हमने ले लिए यहाँ पे CH4, क्या ले लिया CH4, और CH4 की रिएक्शन करवाई हमने 100 डिग्री सेंटीग्रेड, कितने पर रिएक्शन करवाई 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो हमें क्या मिलेगा कार्बन प्लस हाइड्रोजन। अब मान लीजिए हमने ले CH3 लिया, यहाँ पे हमने टेम्परेचर दिया, तो क्या होगा H2 बाहर निकलेगा, जैसे इधर का H बाहर निकला इधर का H बाहर निकला, तो बीच में क्या आ जाएगा एक बॉन्ड और आ जाएगा वैलेंसी को पूरा करने के लिए, तो क्या बन जाएगी एल्कीन बन जाएगी, और टेम्परेचर हमने 500 डिग्री समथिंग ले लिया, यानी गर्म करके हम क्या कर सकते हैं हाइड्रोजन को हटा सकते हैं, और यही क्या होती है पाइरोलाइसिस, और इसे ही हम क्या बोल देते हैं क्रैकिंग, क्या बोल देते हैं क्रैकिंग। अब देखिए इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ बाहर निकल रहा है, इसलिए इसे हम डीकम्पोजिशन भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं डीकम्पोजिशन, क्या बोलते हैं डीकम्पोजिशन। तो इस वे में हमारी जो चारों की चारों रिएक्शन है वो कंप्लीट हो जाती है। अब हम चलते हैं फिफ्थ रिएक्शन की तरफ, जो है एरोमेटाइजेशन, क्या है एरोमेटाइजेशन। देखिए एरोमेटाइजेशन क्या होती है जल्दी से समझिएगा आप लोग, फिफ्थ नंबर की हेडिंग डालिए आप लोग, एरोमेटाइजेशन इम्पोर्टेंट है। देखिए क्या होता है, फिफ्थ नंबर रिएक्शन है एरोमेटाइजेशन यानी एरोमेटिकता। देखिए क्या होता है, इसमें हम लेते हैं Al2O3 या Cr2O3, और इसमें टेम्परेचर लगभग 500 डिग्री सेंटीग्रेड हम यूज करते हैं। क्या होता है, जो हम लेते हैं नॉर्मल कोई भी संरचना, जैसे हमने ले लिया अनहेक्सेन की संरचना कैसी होती है CH3 CH2 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 CH3, 1 2 3 4 5 6, ये क्या है अनहेक्सेन है। अब इसकी रिएक्शन हमने करवाई
एयर टू ओ थ्री सी आर टू ओ थ्री, और टेम्परेचर क्या लिया 500 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए क्या होता है यहाँ पे, अनहेक्सेन यानी जो हमने ये सीधी श्रृंखला ली है, ये सीधी श्रृंखला क्या होगी, आपस में ऐड हो जाएगी, आपस में जुड़ जाएगी। ये अनहेक्सेन की जगह क्या बन जाएगा, बेंजीन, क्या बन जाएगा, बेंजीन। यानी ये जो संरचना थी, ये संरचना कैसी हो जाएगी, इस प्रकार हो जाएगी। कार्बन तो कितने हैं, 6 ही हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन ही हैं, बट ये एरोमेटिक हो गए। क्या हो गए, एरोमेटिक हो गए, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर देख लीजिए, हमने मान लिया 7 नंबर का कोई कार्बन लिया, यानी हेप्टेन लिया जिसमें 7 कार्बन होते हैं। इस हेप्टेन की रिएक्शन भी हमने किसके साथ करवाई, Al2O3 और Cr2O3, और वही टेम्परेचर लिया 500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या होगा, अनहेप्टेन का 6 कार्बन तो आपस में जुड़ जाएंगे, ऐसी संरचना बना लेंगे, बट जो 7वां कार्बन है वो इसके ऊपर की तरफ लग जाएगा। तो क्या होता है, देखिए इस प्रकार की हमें एक संरचना मिलेगी। देखिए 7 कार्बन थे हमारे पास, तो 7 में से 6 ने तो ये संरचना बना ली और एक कार्बन यहाँ लग गया। इस संरचना को क्या बोला जाता है, टोलुइन, क्या बोला जाता है, टोलुइन। तो ये वाली जो रिएक्शन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि टोलुइन का निर्माण हम कैसे करते हैं किसी एल्केन से। तो आप लोग क्या बोलोगे, अनहेप्टेन यानी 7 कार्बन की हमने एक चेन ली और जिसकी रिएक्शन ऐसे करवाई, तो हमें क्या मिलता है, टोलुइन मिलता है। तो यहाँ पे हमारी सारी की सारी जो इम्पोर्टेंट रिएक्शंस थी, केमिकल रिएक्शंस, वो हो जाती है फिनिश। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे एल्किन, हमारा पूरा का पूरा एल्केन आज हो गया फिनिश। नेक्स्ट लेक्चर में एल्किन स्टार्ट होगा, एल्किन का जनरल इंट्रोडक्शन लेके वही फिजिकल प्रॉपर्टी और वही केमिकल प्रॉपर्टीज लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।